हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। आज की चर्चा है खास। हार्दिक पांड्या के लिए आगे आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2023 के बाद चोटिल हो गए थे और उसके बाद मैच से अभी तक बाहर ही चल रहे हैं और अभी किसी भी मैच में उन्होंने एंट्री नहीं की है, तो उनके एंट्री करने के साथ साथ उनके आने वाले करियर के लिए भी बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं, पैदा होते हैं कि वर्ल्ड कप 2024 में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आईपीएल सीजन में उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आईपीएल में हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी सवाल तो यही है कि आईपीएल सीजन की कप्तानी कौन संभालेगा, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या। इसके अलावा एक नाम और उभर कर सामने आ रहा है, जिसका नाम है शिवम दुबे। जिस तरह से T20 इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जो मैच चल रहे हैं, इसमें फर्स्ट मैच और सेकंड मैच दोनों मैचों में जिस तरह से शिवम दुबे ने हाफ सेंचुरी बनाई है और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिस तरह से विकेट लिए हैं, कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ऐसा ही प्रदर्शन वो आईपीएल के साथ साथ आने वाले मैचेस में कर पाए तो शायद T20 वर्ल्ड कप में उनकी एंट्री पक्की हो सकती है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं कि क्या वो इनका जवाब दे पाएंगे, कर पाएंगे अपने आप को साबित, क्योंकि एक लंबे रेस्ट के बाद, हालांकि बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस तो काफी कर रहे हैं और नेट पर वापस प्रैक्टिस करने के लिए आ चुके हैं। खैर, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से मैच में वापसी करें और टीम इंडिया के लिए चौके और छक्के लगाएं। अगर आईपीएल सीजन में जिस तरह से रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान के लिए चुना गया था, लेकिन अभी सवाल है कि आने वाले मैच आईपीएल में रोहित शर्मा इसकी लीड करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त हमें बता ही देगा। यार, क्रिकेट की चर्चाएं चलती रहेंगी। इसके साथ एक सवाल और पैदा होता है, जिस तरह से रोहित शर्मा T20 मैचेस इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में नहीं चल पाए पहले दो मैचेस में, अभी तो वर्ल्ड कप 2024 जो T20 का वर्ल्ड कप 2024 आने वाला है, क्या उसमें वो जादू दिखा पाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तो पूरा आईपीएल सीजन बाकी है अपने आप को साबित करने के लिए रोहित शर्मा के पास। अगर वो अपना बल्ला का जादू दिखाते हैं तो अच्छा ही है और टीम इंडिया का नाम रोशन करें। खैर, हम तो यही उम्मीद करते हैं। चलिए, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खेल से जुड़े, हमसे जुड़े।